नल जल योजना के लगभग 5 वर्ष पूरा होने जा रहा है और इस अवधि में सरकार बिल्कुल मुफ्त पेयजल मुहैया कराई है। अब नल जल योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपभोक्ताओं को शुल्क देना होगा, जो कि बहुत कम है। प्राप्त जानकारी अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रों में एक कनेक्शन का 30 रुपया शुल्क देना होगा, जो कि वार्ड सचिव द्वारा वसूल किया जाएगा, जिसमें से 50% सैलरी के रूप में अनुरक्षक को दिया जाएगा, साथ ही सरकार द्वारा सैलरी भी दिया जाएगा। वार्ड सचिव को सरकार द्वारा क्या सैलरी मिलेगी, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। पेयजल पर शुल्क लगने से नल जल योजना में सुधार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस शुल्क से अनुरक्षक को जब प्रति माह सैलरी मिलेगी तो वह भी समय से नल जल योजना को चलाने पर विशेष ध्यान देगा। इसे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली पानी की कमियों की शिकायत खत्म होगी। शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहां पेयजल का भुगतान जल मीटर के द्वारा करना होगा। शहरी क्षेत्र में बहुत जगहों पर जल मीटर लग चुका है और बहुत जगहों पर जल मीटर लग रहा है। जल मीटर लगने से उपभोक्ता आवश्यकता के अनुसार पानी उपयोग करेंगे और इससे पानी की बर्बादी भी कम होगी। इस मीटर से पानी का प्रेशर और कितना पानी इस्तेमाल किया गया इसकी जानकारी मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में अभी मीटर लगने की कोई सूचना नहीं है। अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो अपने चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि नल जल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट अब तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।